हेलो नमस्ते, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जाने वाले असम राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित सिलचर शहर के सफर पे। सिलचर जो कि असम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि बरागर वैली रीजन के अंतर्गत आता है। सिलचर शहर काजर जिले का मुख्यालय है, जो कि अपने हरे भरे पहाड़ियों और खूबसूरत चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मुख्य नदी बराक नदी है और ये शहर बांग्लादेश से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों काजर जिला 3786 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ की आबादी 17,36,000 से भी अधिक की है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ रेलवे का चलन 18वीं शताब्दी के अंत तक शुरू हो गया था, जिसके द्वारा अंग्रेज यहाँ से चाय, खनिज और अन्य कीमती वस्तु बंदरगाह तक ले जाते थे। दोस्तों काजर एक कृषि प्रधान जिला है, यहाँ बड़ी मात्रा में चाय का उत्पादन होता है और यहाँ आपको कई सारे चाय का बागान देखने को मिल जाएंगे, जो कि टूरिज्म के लिहाज से यहाँ का एक मेजर अट्रैक्शन है। यहाँ 86.36% हिंदू, 12.61% मुस्लिम और 1% अन्य धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। सड़क भी यदि आपको अधिकतर गाड़ियाँ AS11 नंबर प्लेट की दिख जाएं, तो समझ लीजिए आप असम के काजर जिले में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों ब्रिटिश कैप्टन थॉमस फिशर के नेतृत्व में पहला पोलो मैच खेला गया था। सन 1824 से 1826 के बीच यहाँ एंग्लो बर्मीज वॉर लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश इंडिया की जीत हुई थी। दोस्तों ब्रिटिशर ने यहाँ की टी इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा दिया, साथ ही से भारत समेत विश्व के अलग अलग देशों में पहुँचाने के लिए इस क्षेत्र को रेल से कनेक्ट किया गया और 1934 तक यहाँ रेल, सड़क और जल के तीनों साधनों को विकसित कर दिया गया था। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यहाँ जापानियों ने बड़ी मात्रा में बम बरसाए थे, जिसके बाद यहाँ आज़ाद हिंद फौज का काफ़ी वर्चस्व बढ़ा। 1947 के बाद इसे बांग्लादेश के सिलहट से अलग करके भारत के असम राज्य का हिस्सा बनाया गया। दोस्तों आपको यहाँ असमी और बंगाली कल्चर का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिल जाएगा और इसकी विविधता यहाँ के त्योहारों में साफ झलकती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा बंगाली है, लेकिन यहाँ बड़ी मात्रा में असमी भाषा भी बोला जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ ONGC प्लांट मौजूद है, जहाँ क्रूड ऑयल, LPG और अन्य एनर्जी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा यहाँ काजर पेपर मिल भी मौजूद है, साथ ही यहाँ बाम्बू प्रोडक्ट्स को भी बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ के चाय के बागान बड़ी मात्रा में टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो यहाँ NIT सिलचर, गुरुचरण कॉलेज, काजर कॉलेज, सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और एक ही चंद्रा लॉ कॉलेज यहाँ मौजूद है। यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें तो आप यहाँ के गांधी बाग पार्क, बराक रिवर ब्रिज, डोलू लेक, बद्रापुर फोर्ट, कंचा कांति काली मंदिर और आप यहाँ की टी गार्डन्स में घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों अंत में ये जान लेते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रेल मार्ग की बात करें तो यहाँ का सिलचर रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आता है, जो कि गुवाहाटी से अच्छी तरीके से जुड़ा है। सड़क मार्ग की बात करें तो यह राष्ट्रमार्ग 37 और 306 से अच्छी तरीके से जुड़ा है। हवाई मार्ग की बात करें तो इस शहर के पास अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट मौजूद है, जिसकी स्थापना सन 1944 में की गई थी। ये एयरपोर्ट शहर से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके द्वारा आप भारत के अन्य बड़े शहरों में आवागमन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़।